ऑल राइट सो हे गाइस व्हाट्सअप है, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को मेरे सामने दिख रही है जावा बॉबर सिंगल सीटर, यार बाइक क्या कमाल की दिख रही है। पीछे से लुक देखो क्या कमाल का आ रहा है उसका। सो चलो आज हम लोग ये बाइक राइड करने वाले हैं। आप लोगों को मैं इसका रिव्यू देता हूँ कैसी है क्या है, मेरा क्या एक्सपीरियंस आ रहा है इसके साथ। बाकी लुक वाइज तो भाई आई कैचर बाइक है एकदम, क्योंकि मैं जब से इधर रुका हूँ कितने लोगों ने इधर आके इसके साथ फ़ोटो निकाला है, क्योंकि ऑब्वियसली सिंगल सीटर बाइक और लुक एक नंबर है इसका। तो चलो बाइक को चलाते हैं फटाफट और राइड का मज़ा लेते हैं। ओके अरे ये देखो कितना कमाल का लग रहा है इसमें, मस्त। तो हाइट में बात करें तो बाइक की हाइट बहुत छोटी है, क्योंकि मेरी हाइट 6 फीट है, तो मेरे को बहुत ज़्यादा छोटी लग रही है बाइक। बाइक तो एक नंबर है, मतलब रिफाइनमेंट तो मस्त लग रही है जावा की, बस हाइट थोड़ी छोटी लग रही है क्योंकि मेरी हाइट 6 फीट है और मेरे लिए बहुत नीचे हो गया, मेरे नीज एकदम टाकी तक आ रहे ऊपर। तो चलो ओके बाइक तो कमाल की है भाई, और बॉबर चला रहे इसलिए इतना सब जैकेट वगैरह डाल के आया हो, क्योंकि प्रॉपर बॉबर वाला फील आना चाहिए। और थोड़ा फ़ोटोशूट वगैरह भी किया तो मैं बोला भाई ये सब चाहिए इसमें। तो आप लोगों को पता है मेरा फ़ोटोशूट सब इंस्टाग्राम पे मैं पोस्ट कर दूंगा, मेरा आईडी इधर डिस्प्ले हो रहा होगा, तो उधर जाके फॉलो करो। अभी हमारी इंस्टा फैमिली 10K हो गई है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उधर फॉलो करो। और अभी थोड़ा बाइक का एक मज़ा लेते हैं। चाओ पैराक अब प्रॉपर बॉबर बाइक, कमाल की फील आती है यार ऐसी बाइक चलाने में, क्योंकि नॉर्मली मैं स्पोर्ट्स बाइक ज़्यादा चलाता हूँ, बट ये बॉबर वाला एक्सपीरियंस। ऊपर से इसके मिरर भी हैंडल बार पे लगे हुए, तो बोलते थे इसका लुक थोड़ा और एनहांस कर रहे हैं वो। फुल रॉय वाला फीलिंग आ रहा है मेरे को, रॉय मूवी में जैसा वो बॉबर चला रहा होता है ना, सेम वैसा फील आ रहा है। बाकी बाइक की अगर बात करें तो बाइक में 30 PS की पावर आती है, 31 Nm का टॉर्क आता है, और बाइक बहुत कमाल की है यार। मैं फर्स्ट टाइम जावा की कोई बाइक चला रहा हूँ और फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा बहुत मस्त लग रहा है इसका। तो एक बार साइड में रुक के मैं आप लोगों को इसका पूरा 360 वगैरह सब फीचर्स और अच्छे से बताऊंगा, बट पहले थोड़ा बाइक का मज़ा ले लूं। और इसका स्पीडोमीटर भी पूरा बोलते ना उल्टा लगा हुआ है, इधर से 10 वगैरह स्टार्ट हो रहा है, इधर से घूम रहा है वो, तो ये ज़्यादा कूल लग रहा है ये सब। ओके भाई साहब बाइक में पावर भी अच्छी खासी है, मतलब लॉन्ग रूट के लिए परफेक्ट बोलते ना, परफेक्ट बाइक है लॉन्ग रूट के लिए। और इसकी सबसे मेन बात इसकी सिंगल सीट, सिंगल सीट का लुक इतना मस्त दिखता है ना पीछे से, और उसमें जो टेल लाइट लगी है भाई साहब बहुत सही लगती है वो लाइट। हैंडलिंग के लिए एकदम सिंपल बोलते ना, एकदम सॉफ्टली हैंडल कर सकते हैं। मेरे को लगा था वेटेड बाइक रहेगी तो थोड़ा उसे हैंडल करने में प्रॉब्लम होगा, बट नहीं एकदम फ्री है हैंडल करने के लिए।
बस ये बाइक का थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस कम है, स्पीड ब्रेकर वगैरह पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा कम है इसका, तो उतना एक बात का ध्यान हमें हमेशा रखना पड़ेगा। कोई भी बड़ा गड्ढा आ गया या कुछ भी हो गया तो हमें उधर से ध्यान देना है बाइक के ऊपर। आप लोगों को बाइक साइड में लगा के इसके सब दिखा देता हूँ कैसी क्या है। ओके, सो ये बाइक का टेल सेक्शन और ये जो लाइट है ना भाई साहब, देखो क्या सही दिख रही है इसमें। ऊपर से पूरा लुक ही देखो ना, क्या मस्त बॉबर वाला लुक है, फुल बॉबर बाइक ही है ऑब्वियसली। हेडलैम्प वगैरह देख लो सब, और ये जो इधर पैराक लिखा है ये बहुत प्यारा दिख रहा है पैराक, देखो। बाइक डबल एग्जॉस्ट के साथ आती है, देख सकते हो आप लोग, इधर से भी एक एग्जॉस्ट है, इधर से भी एक एग्जॉस्ट है। बाइक की एक आप लोग को पूरा सिर्फ एग्जॉस्ट सुनाता हूँ, कमाल की बाइक है। तो चलो, और हम बाइक चला रहे हैं और बाइक अगर भगा के नहीं देखेंगे तो भाई कैसे चलेगा। ओहो, बाइक में पावर भी बहुत अच्छी खासी है भाई, तो बोलते ना एकदम परफेक्ट बाइक है, एकदम ऑफ रोड और सॉरी ऑफ रोड ही बोल रहा हूँ, लॉन्ग रूट करने के लिए एकदम परफेक्ट बाइक है, एकदम कंफर्टेबल, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई नहीं, कितना भी लॉन्ग रूट करो। बस हाँ, आप सिंगल सीटर ही कर सकते हो, इसके पीछे सीट नहीं है, मतलब एक्स्ट्रा सीट आती है हम लोग लगा सकते हैं वो सीट, बट बोलते ना जो इसका फिर प्रॉपर लुक है ना वो लुक चला जाता है, उससे अच्छा ऐसे ही सिंगल सीटर चलाओ। और बहुत हाई कैची बाइक है, आप देख रहे हो, देखो जितने भी लोग मैं चला रहा हूँ बाइक को देख ही रहे सब, तो रोड प्रेजेंस बाइक का बहुत अच्छा खासा है। ओहो, और पावर भी, मेरे को पर्सनली बुलेट से ज़्यादा ये बाइक पसंद आ रही है। हाँ, हीटिंग इशू इसमें भी है, बाइक बहुत बहुत ज़्यादा हीट होती है, बट अभी मेरे को कुछ फील तो नहीं हो रहा है क्योंकि हाँ मैंने अभी इतना चलाया भी नहीं हो बाइक को। जब हम लोग लॉन्ग रूट करते हैं तब इस पर हीटिंग इशू होता है, मैंने सुना है, मेरे फ्रेंड ने भी मेरे को बताया कि भाई हीटिंग इशू इसमें है। बाकी बाइक तो कमाल की है, चलो अभी हम लोग यहाँ से लेते हैं यू टर्न। और आप लोग व्यू का भी मजा लो आगे, रोड और व्यू दोनों भी, तो कितना मस्त लग रहा है, बोलते ना आज के बाइक के राइड के लिए एकदम सही है। थोड़ा कैमरा एंगल नीचे ले लेना चाहिए ऐसा लग रहा है मेरे को, ओके। तो अभी बाइक अच्छे से दिख रही है, बाइक की ब्रेकिंग भी अच्छी खासी है,
परफेक्ट बाइक है, मेरे को लिटरली बहुत पसंद आई बाइक, क्योंकि बॉबर लुक के साथ साथ हम लोग को पावर भी मिल रही है, परफॉर्मेंस भी अच्छी है, रोड प्रेजेंस भी अच्छा है बाइक का, तो ओवरऑल एकदम कंप्लीट पैकेज है बाइक। और एक बार तो भी इस पर हम लोग लॉन्ग राइड करेंगे, अभी वैसे भी एक बार लॉकडाउन खुल जाए तो भाई फिर कुछ कर सकते हैं, और अभी तो ओपन हो गए हैं तो अभी टेंशन नहीं है, अभी करेंगे लॉन्ग राइड, जल्दी करेंगे लॉन्ग राइड इस पर भी, क्योंकि बहुत दिनों का राइड भी नहीं किया किधर मैं, तो लॉन्ग राइड अभी एक लॉन्ग राइड तो करूँगा ही। ब्रेकिंग भी कमाल है यार, फुल बॉबर फील। सो दैट्स इट गाइस, आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और आपको ये बाइक अच्छी लगी होगी मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये बाइक के बारे में आप लोगों को क्या क्या पसंद आई, कौन से फीचर्स इसके अच्छे लगे, बाइक का लुक, ओवरऑल बाइक कैसी लगी आप लोगों को मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और कोई भी बाइक से रिलेटेड अगर कोई भी आपको ब्लॉग चाहिए या कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी प्रॉब्लम आपको मेरे से पूछना है, तो आप लोग मेरा इंस्टा हैंडल इधर दे रहा हूँ मैं, आप लोग इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। सो बस यही, दैट्स इट गाइज, आई होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू एंजॉय डू लाइक शेयर कमेंट, और आप अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन दिस इज शहबाज साइनिंग ऑफ।